नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 148वां एपिसोड। आज है 21 दिसंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 के हवाले से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, विराट कोहली, बिग बैश लीग और T10 लीग के भी हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आई हैं। दोस्तों, आईपीएल में कई सारे शहरों से आईपीएल मैचों की मेजबानी छिनने वाली है और उसको लेकर बड़ी अपडेट है। सारी खबरें बताएंगे इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, भाई टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी भाई हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई आज जो पहली खबर निकल कर आ रही है ना, वो आ रही है हमारे विराट भैया से जुड़ी हुई। विराट कोहली भारत वापसी की तैयारी में, आज फ्लाई आउट कर जाएंगे, भारत वापस आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने टीम इंडिया से कह दिया है, चैलेंज दे दिया है कि आपको जीत कर ही आना है टेस्ट सीरीज में, जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन विराट कोहली इस समय पैटर्निटी लीव पर रहेंगे और मतलब वो अब हमें नहीं देखने वाले हैं। सो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि टीम इंडिया यहां से कुछ नया आयाम देगी या नहीं ये समय बताएगा। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, बिग बैश लीग के हवाले से आ रही है। हमने दादा को हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल जो बिग बैश लीग का मैच हुआ था उसमें हमने दादा की टीम को हरा दिया था। आप हमारे पॉइंट्स देख पा रहे होंगे और इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, आज भी हम आपको टीम देने वाले हैं माय 11 सर्कल ऐप पर सौरव गांगुली के खिलाफ। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक फटाफट जाइए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहां पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए मिल जाएगा, 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। बड़ी बात यह है कि राशिद खान, शेन वॉटसन और दादा खुद ही यहां पर टीम बनाते हैं। पैसे डालना, निकालना, प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है और बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं। तो आपसे तो भाई एक ही चीज बोलूंगा, देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पर हम आपको टीम भी देते हैं। कल की टीम के पॉइंट्स देख पा रहे होंगे, आज भी टीम देंगे तो टेलीग्राम पर जाइए, द रियल एमसीपी सर्च कीजिए, 34,000 हमारे फॉलोअर्स है, वहां भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि दादा के खिलाफ 3 गुना पैसा हम भी जीत रहे हैं, आपको भी जीतना है, टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो यार ये भाई चेन्नई सुपर किंग्स के मुरली विजय के हवाले से। सीएसके की तरफ से साल मुरली विजय खेले थे, प्रदर्शन तो भाई लंबे अरसे से इनका अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो इस साल के आईपीएल से भी बाहर हो सकते हैं। कुछ निजी कारणों के चलते वो भारत के डोमेस्टिक सीजन से बाहर हो गए। दोस्तों, ये जो भारत का डोमेस्टिक सीजन होने वाला है, इससे ही तय होगा कि नीलामी में आप बिकेंगे या नहीं। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन्हें रिलीज भी करने वाली, मतलब ये नीलामी का हिस्सा भी होंगे। इनके लिए राह बहुत कठिन होगी अगले साल के आईपीएल खेलने की, और इसीलिए खबर मैंने आप तक पहुंचा दी कि भाई मुश्किल है, क्विट हो सकता है इस साल के लिए मुरली विजय का आईपीएल कैंपेन। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, ये आ रही है भाई टेस्ट रैंकिंग से जुड़ी हुई। दोस्तों, ये टेस्ट रैंकिंग का जो फंडा है ना, वो मुझे कभी समझ में आया नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी की रैंकिंग में विराट भैया नंबर 2 पर है, पहले स्थान पर हमारे स्टीव स्मिथ चल रहे हैं 901 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर, नंबर 2 पर विराट कोहली 888 पॉइंट्स के साथ, नंबर 3 पर केन विलियमसन चल रहे हैं लगभग 877 पॉइंट्स के साथ। कौन आगे रहेगा कौन पीछे ये तो अगला साल बताएगा, क्योंकि इस साल तो इतना क्रिकेट हुआ ही नहीं है, स्टीव स्मिथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, तो ये आ रही है भाई T10 लीग के हवाले से। क्रिस गेल ने T10 लीग के हवाले से बड़े संकेत दिए हैं। क्रिस गेल T10 लीग में अबुधाबी की टीम का हिस्सा होंगे, वो अबुधाबी का आइकन प्लेयर होंगे। बड़ी बात फिर बोल रहा हूँ ये नहीं है कि वो अबुधाबी में खेलेंगे, बड़ी बात यह है कि उन्होंने अगले आईपीएल के लिए बिगुल बजा दिया है। इसका मतलब यहाँ से हमें साफ साफ संकेत मिल रहा है कि अगला आईपीएल क्रिस गेल खेलने वाले हैं। ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो अगला आईपीएल नहीं खेलेंगे, ये बेमानी साबित हो सकते हैं, क्योंकि भाई अगर वो T10 लीग खेल रहा है, जो कि जनवरी के एंड में होगी, फरवरी तक चलेगी, मतलब वो अप्रैल में आईपीएल भी खेलेंगे, और अगर वो खेलेंगे तो पंजाब उन्हें छोड़ेगी नहीं, जिसके संकेत पंजाब पहले ही दे चुके हैं। तो यहां से हम एक चीज लिख कर रख सकते हैं कि क्रिस गेल हमें अगले साल के आईपीएल में भी दिखने वाले हैं, संकेत साफ है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है भाई आईपीएल के नहीं होने से जुड़ी हुई। भाई आईपीएल होगा, अहमदाबाद तो लगभग कंफर्म हमको समझ आ गया है, लेकिन 7 ऐसे शहर है जहां आईपीएल 2021 नहीं होगा। आईपीएल की मेजबानी छिन सकती है इन 7 शहरों से, उसके कारण भी बताऊंगा, लेकिन पहले शहरों के नाम सुन लीजिए। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मोहाली, जयपुर, कानपुर और देहरादून, ये वो 7 शहर हो सकते हैं जहां पर मेजबानी ना सिर्फ आईपीएल की मिलेगी, किसी भी डोमेस्टिक सीजन की नहीं मिलेगी। अब इन शहरों में मेजबानी मिलने का सबसे बड़ा रीजन आप समझ गए होंगे, नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया से कतरा रहा है बीसीसीआई, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है,
जनसंख्या घनत्व ज्यादा का मतलब है कि कोविड फैलने के चांसेस ज्यादा है, और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, रोज केसेस आ रहे हैं। तो बीसीसीआई डरा हुआ है, और ऐसा हो सकता है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं आता है तब तक, जब तक आईपीएल हो रहा होगा, तो फिर नॉर्थ इंडिया में आईपीएल मैचों की मेजबानी नहीं मिलेगी। ये 7 शहर कंटेंडरशिप में रहते हैं, देहरादून भी कंटेंडरशिप में आ गया है, कानपुर लखनऊ की नई टीम भी आ सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है, कहानी का सार यह है कि इन 7 शहरों में शायद मैचेस ना हो और अहमदाबाद मुंबई में बायो बबल कराकर मैचेस करे जाए। सबसे बड़ी रिपोर्ट थी, सबसे पहले हमने दी, और इसलिए एक लाइक तो इस वीडियो में बनता है, लाइक जरूर करिए अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो। बात करते हैं दोस्तों अब दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की, ये आ रही भाई अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से जुड़ी हुई। भाई अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का इंस्पेक्शन हो गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए। बहुत जल्दी ये ट्रॉफी शुरू होने वाली है, जनवरी में एक्सपेक्टेशन है, और उससे पहले इसका इंस्पेक्शन किया गया है। 1,14,600 सीट्स को रेडी किया गया है। लेकिन भाई ये तो सब ठीक है, इंस्पेक्शन हो गया, सीट्स रेडी हो गई, ये सब कुछ सही है, लेकिन बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज इस खबर में ये है कि अभी तक सरकार ने परमिशन नहीं दी है लोगों को बैठाने की। दोस्तों ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है, कांच की तरह साफ है कि अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, लोगों को बैठने की इजाजत मिलती है, तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। बड़ी संख्या में इसलिए आएंगे क्योंकि लंबे अरसे से भारत में कोई क्रिकेट हुआ ही नहीं है। लेकिन भाई अगर अहमदाबाद का इंस्पेक्शन हुआ है, सीट्स को रेडी किया गया है, तो क्या सरकार इजाजत देगी, क्या जल्दी हमें इजाजत मिलती हुई दिख सकती, क्या इसके हिंट मिल रहे हैं? ये खबर उस बात की तस्दीक करती हुई अभी तक तो नजर आ रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है, समय सब बता देता है। बात करते हैं दोस्तों दिनभर की 8वीं बड़ी खबर की। भाई पृथ्वी शॉ को लेकर कल कई सारी चीजें निकल कर आई, कल कई सारे खुलासे हुए, आज भी हुए। मोहम्मद कैफ ने पृथ्वी शॉ पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ किया कि आईपीएल 2020 के दौरान मोहम्मद कैफ ने पृथ्वी शॉ से बातचीत की थी, क्योंकि पृथ्वी शॉ दिल्ली की टीम का हिस्सा थे और कैफ दिल्ली के कोच थे, कोचिंग टीम का मैनेजमेंट का हिस्सा थे। और कैफ ने कहा है कि उन्होंने पृथ्वी शॉ से कहा था कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए और फिटनेस पर काम कीजिए। हालांकि टेस्ट सीरीज में बहुत तनकीदों का शिकार हो रहे हैं पृथ्वी शॉ, लेकिन यहां से एक चीज तो हमें समझ में आती है कि आईपीएल बहुत हेल्प करता है। क्या फिटनेस सचमुच मसला है पृथ्वी शॉ के लिए, आई डोंट नो, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये जो खबर निकल कर आ रही है ये भी पृथ्वी शॉ के हवाले से ही आ रही है। पृथ्वी शॉ ने इंस्टा स्टोरी में कुछ बड़ी बातें कही हैं। आप पृथ्वी शॉ द्वारा डाली गई इंस्टाग्राम की स्टोरी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और आजकल तो भाई सोशल मीडिया से सब कुछ पता लग जाता है कि खिलाड़ी का क्या मसला चल रहा है, क्या फड्डा चल रहा है, फड्डा मतलब लड़ाई। और ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ कहा है पृथ्वी शॉ से, इसको लेकर कल खबरें भी आई, आज भी आई, और इसका कहले इसका एक बैकलैश हुआ है कि उन सभी लोगों को पृथ्वी शॉ ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा है कि वो लोग मुझसे कह रहे हैं जो खुद अपने क्रिकेटिंग करियर में कुछ कर नहीं पाए। अभी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं पृथ्वी शॉ ऐसा लिखकर, मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि इतना ज्यादा मैं समझ भी नहीं पाता हूँ, बट आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्या कुछ अंदरूनी लड़ाई है बाहर की, कमेंट में बताइए। बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच से जुड़ी हुई आ रही है। 4 बड़े बदलाव हमें संभवतः होते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से बदलाव होंगे? पहला बदलाव, गिल आ सकते हैं शॉ के स्थान पर। दूसरा बदलाव, केएल राहुल आ सकते हैं कोहली के स्थान पर। तीसरा बदलाव, ऋषभ पंत आ सकते हैं वृद्धिमान शाह के स्थान पर। चौथा बदलाव होगा, मोहम्मद शिराज आएंगे शमी के स्थान पर। 2 बदलाव तो तय है राहुल और शिराज, क्योंकि कोहली भी जा रहे हैं, शमी भी चोटिल है। अब आप बताइए कि कैसी प्लेइंग 11 रहनी चाहिए आपके हिसाब से दूसरे टेस्ट के लिए, जो कि जीत जाए भाई, जो कि हमारी नाक बचा ले हिंदुस्तान की, कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। एक चीज जरूर बोलूंगा, माय 11 सर्कल ऐप पर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अपना अकाउंट जरूर बनाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।